तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। एमपी सीएम मोहन यादव कैबिनेट की आज बैठक है, काफी महत्वपूर्ण यह बैठक रहेगी। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और कई अहम प्रस्ताव पर इसमें मोहर लग सकती है। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं से जन्मे बच्चों को लेकर फैसला होगा। दुष्कर्म पीड़िताओं से जन्मे बच्चों का भरण पोषण सरकार की तरफ से किया जाएगा। रहने और खाने के साथ साथ पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक का इंतजाम सरकार करेगी। एक बड़ा इनिशिएटिव है, नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं से जन्मे बच्चों को लेकर फैसला किया जा सकता है आज जिस कैबिनेट की बैठक में। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की यह बैठक काफी खास अपने आप में, कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। तो मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। गौरव, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी है इस कैबिनेट की बैठक को लेकर, क्या प्रमुख एजेंडा इस बैठक का रहेगा और साथ ही कौन कौन से प्रस्ताव जिन पर मोहर लगने की संभावना? गौरव, देखिए बिल्कुल वसंत, मध्य प्रदेश कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री और नए मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ साथ मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य और आला अफसर आज की कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। रोजगार को लेकर, उद्योगों को लेकर, निवेश को लेकर, मध्य प्रदेश में सुरक्षा को लेकर और जो तमाम जो त्यौहार जो अब आ रहे हैं, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे तमाम त्योहारों को लेकर भी आज जो है एक अनौपचारिक चर्चा होगी। लेकिन औपचारिक चर्चा की अगर हम बात करें, कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव आज आ सकते हैं जिन पर मोहन यादव कैबिनेट की मोहर लग सकती है। सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है वो सामाजिक सुरक्षा को लेकर है, आम जन को लेकर है। जो नाबालिग जो दुष्कर्म पीड़िता है उनका भरण पोषण और उनसे जो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से जो बच्चा होगा, जन्मा होगा जो बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसका पूरा बचपन से लेकर और उसके 23 वर्ष की आयु तक, उम्र तक, उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी जिम्मेदारी मोहन यादव सरकार लेने जा रही है। एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये उठाने जा रही है सरकार। दूसरी बड़ी बात ये है कि उन जो बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 4,000 रुपये महीने भी सरकार उसको देगी, तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम है। अगर इस पर कैबिनेट की आज मोहर लगती है तो मध्य प्रदेश में जो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता है उनको और उनसे जो जन्मे जो बच्चे होंगे उनको कहीं ना कहीं एक समाज के दायरे में लाकर एक बड़ा कदम मोहन सरकार का होगा ये, वसंत। बिल्कुल, और साथ ही साथ जैसा कि आपने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं से जो जन्मे बच्चे होंगे उनकी जिम्मेदारी जो है सरकार लेती नजर आएगी, और साथ ही एक बड़ा इनिशिएटिव भी है जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से लिया जाएगा और साथ ही साथ एक मिसाल भी अपने आप में होगा। देखिए बसंत, सबसे बड़ी बात यही होती है कि किसी के साथ अगर दुष्कर्म हो जी, समाज उसको स्वीकारती नहीं है। जिस नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ उसको पता भी नहीं रहता कि उसके साथ दुष्कर्म किसने किया है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि कोई नजदीकी रिश्तेदार ने या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ पिलाकर और दुष्कर्म कर दिया, उस बच्ची को पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है और फिर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट अबॉर्शन की अनुमति नहीं देता है। समाज में बच्चा जन्म ले लेता है, उसका पिता कौन होगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका खर्चा कौन वहन करेगा। निश्चित तौर पर सामाजिक दृष्टि से एक बड़ा फैसला आज मोहन सरकार लेने जा रही है कैबिनेट में, वसंत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा जुड़े आप, दर्शकों तक जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।